तो गाइस मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ मटन पाए और उनकी रेसिपी। ये मैंने धो लिए हैं, ठीक है। इसको हम प्रेशर में डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें बड़ा बड़ा सा मैंने प्याज काट लिया, ये भी इसी में जाएगा। उसके बाद ये जाएगा लहसुन। जी गाइस, तो मैंने बाय उसमें प्याज डाला और लहसुन डाला, उसमें ये 2 से 3 टमाटर जाएंगे, ठीक है। और ये मैंने ना लंबी लंबी अदरक काटी थी, आप इसको ना मैश करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही तकरीबन या हसबे जायका, जितनी आप लोग यूज़ करना चाहें, मिर्च जाएगी। उसके बाद छोटा टीस्पून हल्दी जाएगी। उसके बाद ये बड़ी इलायची और दालचीनी, ठीक है, ये जाएगी। उसके बाद इसमें जाएगा वाइट ज़ीरा, ठीक है। ये सारे मसाले डाल के तो इसमें आपने तकरीबन 3 या 2 कप पानी डाल के इसको रख देना है वेट के लिए, पूरा 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है। ये गया दूसरा कप और ये 3 कप, 3 कप पानी हो गया। अब इसको हम जो है ना बंद करके रख देंगे 20-25 मिनट के लिए। ये लें गाइस, इधर हमारा ना तकरीबन आधा घंटा पूरा हो गया। अब इसको बंद करेंगे और इसको खोल के देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, फिर दिखाती हूँ। देखें जी, ये मुझे लगता है सही हो गया है, हाँ गल भी गए हैं। और शोरबा भी चेक करें आप, घी छोड़ दिया शोरबे ने भी ना। अब इसको हमने पता क्या करना है, एक ये लेनी है कढ़ाई और इसमें जो हम ये पीसीज है ना इनको कर लेंगे अलहदा, ये अपनी को कर लेंगे अलहदा, क्योंकि ये भून के तो फिर इसकी स्मेल ख़त्म होती है ना। इसको इधर डाल के तो यखनी को हम इसी में रहने देंगे और इनको ना पीसीस को फ्राई कर लेंगे। ये लें जी हमारे पीसीस और जो मसाला था ना खड़ा खड़ा वो इसमें डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ये जो हल्का फुल्का सा पानी है जब खुशक हो जाएगा ना फिर इसमें घी डाल के मज़ीद इसको भूनेंगे। ये लें जी हमारी भुनाई हो गई है रेडी, ये देखें घी छोड़ दी है। और इसके बाद ना आप लोग तो चेक कर सकते हैं, अगर ये सख्त आपको लगे आप नरम बूटी खाना चाहते हैं तो वेट वास दिला सकते हैं, लेकिन मेरी तो हो गई है। अब इसमें ना हम डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च और साथ जो है ना पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर आ जाएगी, थोड़ी सी क्या कहते हैं इसको कलवंजी। अब इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर इसके अंदर जो है ना हम लोग यखनी ऐड करेंगे जो हमने बना के रखी हुई है, यखनी के अंदर ऐड करेंगे। जी अब हम इसको ना ये जो पीसीज है ना इसको हमने जो यखनी बना के रखी थी ना उसमें ऐड कर देंगे। हमारे घर वाले ना जरा पतला शोरबा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने उस हिसाब से ये मैंने पीसीज चेक किए हैं थोड़े से, अभी जो है ना सफर दें तो उसके लिए ना हम तकरीबन कोई 5 मिनट और दिखा देंगे इसको ना, ठीक है। बेच लगाएंगे और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये लें जी फाइनल लुक, अभी इसमें मैं वो डालूंगी धनिया और फिर सब खाएंगे। शोरबा देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। अभी इसको 2 मिनट और पका लेंगे और शोरबा आपको नज़र आ रहा है अच्छा बन गया है, ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा ठीक है। ये लें जी रेसिपी तैयार हो गई है, अब इसको नान के साथ हम लोग खाएंगे।